हेलो गाइस, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। रेलवे ट्रैक में एक रेलवे इंजन पायलट ने अपनी ट्रेन रोक दी और ट्रेन रोक के उससे उतर गया, और उतरने के बाद उसने कुछ ऐसा काम किया जो जिस चीज को लेके पूरे सोशल मीडिया में इसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, ये बातें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आपको भी वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ तो आपको हंसी भी आएगी, कुछ आपको गुस्सा भी आएगा, और ये चीज आप जरूर देखिए, लास्ट तक देखिए, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। मुंबई उल्हासनगर की ये मामला सामने आया है, और वहां पर रेलवे ट्रैक पे एक इंजन पायलट ने अपनी ट्रेन को रोक दिया और रोकने के बाद वहां से उतर गया बाहर, और उतरने के बाद उसने रेल की पटरियों पे कुछ ऐसा काम किया कि आपको वो सुन के हंसी तो आएगी पर उसके बाद आपको गुस्सा भी आने वाला है। उसने उतर के ट्रेन के सामने खड़े होके टॉयलेट किया, मतलब कि बाथरूम किया, और बाथरूम करने के बाद ये सब चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो गए क्योंकि वहां पर कुछ लोग उसको देख रहे थे और वहां पर कुछ लोगों ने उसकी वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दी और ट्वीट भी कर दी। और जब उन्होंने ट्वीट की, ट्वीट के बाद इस वीडियो को तो बस पंख ही लग गए, मतलब कि ये तेजी से फैल गई और सब लोग इसके ऊपर ये चीज बोल रहे हैं। और जिसने ये चीज को, इस वीडियो को ट्विटर पे पोस्ट किया था, उसने ये चीज बोली कि स्वच्छ भारत, ये सब चीजें सरकार बोलती है, और जहां पर ये सरकारी चीजें चल रही है, सरकारी ट्रेन चल रही है, क्योंकि ये एक लोकल ट्रेन थी और मुंबई में इतनी ज्यादा ट्रैफिक है और मुंबई में करोड़ों लोग लोकल ट्रेन में हर रोज सफर करते हैं और वहां पर टाइम पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वहीं पे ये ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को रोक के, अपनी रेलवे लाइन के ऊपर उस गाड़ी को स्टॉप करके बाथरूम गया और ट्रेन के सामने खड़ा हुआ, और उस इंसान ने इसकी वीडियो भी ले ली, उस शख्स ने इसकी वीडियो भी ले ली। उस शख्स ने इसके साथ ये भी चीज बोली कि इस ड्राइवर के, इस पायलट की गलती कुछ नहीं है, उनकी गलती है जो रेलवे अधिकारी है। वो क्यों उनकी गलती है कि वहां पर, जहां पर इनका कक्ष है, जहां पे ये इंजन चलाते हैं, वहां पे एक शौचालय होना चाहिए, वहां पे एक टॉयलेट होना चाहिए, कि अगर कहीं पे भी इनको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है, सब चीजें इनको करना पड़ता है, तो उस वक्त अगर अर्जेंटली किसी को वॉशरूम जाना हो तो वो क्या करे? तो यही सब चीजें करेगा ना, तो ये सब चीजें शर्मनाक है। ये सब चीजें उस आदमी के लिए नहीं, ये सब चीजें रेलवे डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक है। पर अभी तक रेलवे डिपार्टमेंट ने तो कुछ नहीं बोला है इसके बारे में। तो आप क्या बोलते हो कि जो चीजें यहाँ पर, जो चीजें सरकार स्वच्छ भारत का बहुत ज्यादा नारा लगाती है और वहीं पर सरकारी लोग ऐसी सब चीजें करते हैं। इवन अगर आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, आपने हर जगह पर दीवारों पर देखा होगा, पटरियों पर देखा होगा कितना ज्यादा गंदगी होता है, और सबसे ज्यादा इन्हीं जगह पे गंदगी होती है जो कि सरकारी हो। और सरकारी जब होता है तब आप जब रेलवे स्टेशन जाते हो, वहां पर दीवारों में आपने देखा होगा काफी ज्यादा स्मेल आती है और काफी ज्यादा ये सब चीजें होती है, और वहीं पर ये सब चीजें होंगी तो सरकार क्या करेगी? आप क्या बोलना चाहते हो इसके बारे में? आपको क्या लगा ये वीडियो देख के जो वायरल हो रही है, किसकी ये गलती है? इसके ऊपर लोग भी बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, लोग भी ये बोल रहे हैं कि वहां पर शौचालय यानी कि टॉयलेट वहां पर बनना ही चाहिए। तो प्लीज अपना जो भी आपके माइंड में है, जो भी आप बोलना चाहते हैं इसके ऊपर, जो भी आप बिंदु उठाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की न्यूज आपको अच्छी लगे तो उसके लिए एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।